Hello everyone, welcome back to another unboxing video. So friends and fans, this unboxing of new latest DJI Spark. So further wasting any of your time, let's get started into the video. And here is our new intro. So friends, here we have got out the box. This one is purchased from locally, not imported from original website. So in this box we have got these two other boxes. This one is the original small box, is the original that came with the Spark, and there is the Fly More combo package that I have ordered separately. So it's my alag se pack here. So there is the small one, is me aap sirf Spark or two batteries book kar sakte hain, aur Fly More combo mein aap pura Spark with remote or some tamam accessories isme dal sakte hain. All accessories. So first of all, ये हमारा remote है. RC controller with remote. Spark की range है 2 kilometers है, 1.2 miles है और काफी function है इस remote में जो आपके local wifi के through mobile में नहीं मिलते हो, आप इसमें mobile पे टाइप कर सकते हैं. इसके बाद हमें propellers मिल गए हैं. यहाँ ये जो propellers हैं ये foldable है. मुझे 10 pieces मिले हैं, 5 pairs. ये external part ये दिया है adapter. ये adapter है, ये Lenovo का original नहीं है और same इसकी specification है जैसे original की होती है. सो ये हमारी USB टू माइक्रो USB केबल है, तो आप लोकली भी यूज़ कर सकते हैं. और ये हमारी बैटरीज हैं, मैंने यहाँ पर 3 बैटरीज इंपोर्ट की हैं, 3 बैटरीज है. तो ये काफ़ी अमेजिंग बैटरी है. मुझे बैटरी टाइमिंग स्पार्क की रियली पसंद नहीं है, बिल्कुल बहुत लो बैटरी टाइमिंग है इसमें. जो हमें स्पेसिफिकेशन मिली है यहाँ पर 11.4 वाट्स की 1480 mAh की बैटरीज हैं, 3 बैटरीज हैं. ठीक है, यहाँ पर इंडिकेटर्स आपको पता चल जाएगा, बैटरी की परसेंटेज आपको पता चल जाती है यहाँ से. तो ये मेरी 2 बैटरीज है, वन अभी चार्जिंग पे थी. तो ये हमारा क्लिप है, आई डोंट नो अबाउट दिस क्लिप वन. तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने मार्क किया हुआ 012 से. तो आप सकते हैं तो ये पिन है जहाँ से स्पार्क आउटपुट मिलता है, इनपुट सॉरी मिलता है. यहाँ से बैटरी आउटपुट देती है. ये 11.4 वाल्ट 1480 mAh की बैटरीज हैं. स्पेसिफिकेशन ऊपर मेंशन है DJI की ओरिजिनल बैटरीज हैं. बैटरी टाइमिंग मुझे रेटिव पसंद नहीं है. ये हमारा टाइनी पाम साइज स्पार्क काफ़ी अमेजिंग है. 3D सेंसर पर यहाँ पे अपर पोर्शन में हमें मिल जाएंगे प्रोपेलर गार्ड्स. ये भी स्प्रेडर फ्लाई मोर कॉम्बो में आते हैं. ठीक है, ये ओके प्रोपेलर गार्ड्स से गाइज आपकी स्पार्क के प्रोपेलर्स ब्रोकन नहीं होंगे. आप कहीं भी क्रैश कर दें तो आपके स्पार्क के प्रोपेलर्स सेफ रहेंगे. इसके बाद ये हमारा फ्लाई मोर कॉम्बो पैकेज में कुछ इस तरह का सेटअप आता है. रिमोट, स्पार्क, 3 बैटरीज, प्रोपेलर, अडाप्टर, प्रॉप गार्ड्स और माइक्रो USB 2 USB केबल. तो ये हमारा फुल पैकेज है जो स्पार्क में आता है. इसके बाद गाइस इसकी मॉडल्स मुझे काफ़ी स्मार लगी और काफ़ी पावरफुल भी हैं. स्पोर्ट्स मोड में ये रिडिकुलर्स हो जाता है. इसमें ये हमें बैक पे अभी मार सकते हैं माइक्रो USB 2 चार्जिंग इसमें, और ये SD कार्ड स्लॉट आ जाता है यहाँ पर. जिसमें ये गाइस की फ्लाइट फुटेज फ्लाइट इसकी फ्लाइट बहुत काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी स्टेबल है. और उसका जो फ्रंट जो कैमरा है इसमें जो है वो 12 मेगापिक्सल का है, काफ़ी अच्छा है. और आप रिमोट के साथ अपना मोबाइल भी फिट कर सकते हैं. तो इसकी डिस्टेंस जो है वो 2 किलोमीटर 1.2 माइल्स में थी. रिमोट के साथ काफ़ी अमेजिंग है. अगर आप कहते हैं तो ये इसका DJI Spark का फुल इन डेप्थ रिव्यू बताएं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा. ये हमारे कुछ फोटेज हैं जो मैंने स्पार्क से लिए हैं, इसमें कलर एडजस्टमेंट हुई भी है. तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. YouTube चैनल सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल, शेयर दिस वीडियो इफ यू एंजॉयड एंड ऑलवेज